सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले यूट्यूब एंड सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल इंडिया के बारे में, एंड साथ ही बात करेंगे करी पुलिस सॉन्ग को लेकर, एंड बात करेंगे हिंदुस्तानी भाव के बारे में। इनके अलावा और भी काफी सारे न्यूज एंड अपडेट है इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ यार, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लो। तो चलिए यार, हम बात कर लेते हैं अपनी फर्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि पबजी मोबाइल आई मीन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लेकर। तो जैसा कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक टीजर अपलोड किया गया था, एंड मैंने अपनी लास्ट कल की वीडियो में वो टीजर दिखाया भी था आप लोग को। तो अभी कल बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ने लोगो भी रिवील कर दिया है, एंड इसको लेकर एक वीडियो भी अपलोड की गई है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट मैं आप लोग को उस वीडियो को दिखा देता हूँ। तो अभी बात कर लेते हैं इस गेम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जैसा कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जब लॉन्च होगा इंडिया में, उससे पहले हम लोग को एक प्री रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा प्ले स्टोर पर, एंड कुछ सोर्सेस की माने तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का प्री रजिस्ट्रेशन इस मंथ के एंड में देखने को मिल सकता है, एंड गेम भी हम लोग को जून में देखने को मिल सकता है। एंड पबजी मोबाइल इंडिया का जो हमारा ओल्ड अकाउंट था, यानी जो हमारी ओल्ड आईडी थी पबजी आईडी, वो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी हम अपने ओल्ड पबजी अकाउंट से ही कंटिन्यू खेल सकेंगे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में। तो अभी बात कर लेते हैं हिंदुस्तानी भाव को लेकर। तो हिंदुस्तानी भाव को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि हिंदुस्तानी भाव प्रोटेस्ट कर रहे थे इस लॉकडाउन के टाइम पर 12th बोर्ड के एग्जाम कैंसिल करने को लेकर। एंड हिंदुस्तानी भाव का ये भी कहना है कि स्कूल वाले फीस ना लें बच्चों से इस लॉकडाउन एंड कोविड के टाइम पर। तो इसी को लेकर मुंबई पुलिस ने उनको लॉकडाउन के रूल्स फॉलो ना करने की वजह से अरेस्ट किया है। मैं यही कहना चाहेगा कि हिंदुस्तान के जितने भी स्टूडेंट्स है, उन लोग के ऊपर आज जो एग्जाम का ये कर रहा है, आज कोरोना के वजह से लाखों लोग मर रहे, तो ये इन लोग क्या करना चाहते है? बच्चों के जान के साथ क्यों खेल रहे हैं और उनके माता पिता के साथ क्यों खेल रहे हैं? मैं यही कहना चाहता है कि एग्जाम कैंसिल करिए और जितनी भी फीस है माफ करिए। बस बस जी, ये सब जितने भी एग्जाम से कैंसिल होने चाहिए। जब ये कोरोना का महामारी खत्म होगा, उसके बाद आप लोग जो एग्जाम्स लेने वो लो, सब कुछ करो। मैं किसी को इनकार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इतना ही है कि बच्चों के जान के साथ मत खेलिए। बस बताइए सरकार क्यों ऐसा कर रही है। तो अभी बात कर लेते हैं कैंडी फॉक्स यूट्यूब चैनल के बारे में। तो कैंडी फॉक्स एक जापानीज यूट्यूब चैनल है। तो इस चैनल पर एक सॉन्ग अपलोड किया गया था करी पुलिस नाम से कुछ दिनों पहले, एंड इस सॉन्ग में इंडियन कल्चर को डिफेम किया गया था, यानी इंडिया के बारे में कुछ बुरा दिखाया था। तो इसी वजह से इस सॉन्ग को काफी ज्यादा हेट मिला था। तो अभी मैं आप लोग को बता दूं, इस सॉन्ग को रिमूव कर दिया गया है कैंडी फॉक्स चैनल से, एंड इस सॉन्ग को लेकर एक अपोलॉजी वीडियो भी अपलोड की गई है कैंडी फॉक्स चैनल पर। एंड एक और जापानीज यूट्यूबर है जिनका नाम है नमस्ते खोए। तो नमस्ते खोए भी 5 सेकंड के लिए इस करी पुलिस सॉन्ग में दिखे थे। तो इसी को लेकर इन्होंने भी एक अपोलॉजी वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पर। तो इस वीडियो में नमस्ते खोए ने क्या कहा, मैं आप लोग को उनकी वीडियो का छोटा सा पार्ट दिखा देता हूँ। कि मैंने वो वीडियो बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया है, जिन लोगों ने वो वीडियो बनाया है उन लोगों ने मुझे बुलाया था सिर्फ उस वीडियो में 5 सेकंड्स के लिए दिखने के लिए, सिर्फ दिखने के लिए, और 5 सेकंड्स के लिए, 5 सेकंड्स के लिए कुछ डायलॉग पढ़ने के लिए, सिर्फ उसी के लिए। और मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था और मुझे नहीं बताया गया था कि वो पूरा वीडियो, मतलब वो एक वीडियो कैसा वीडियो बनने वाला है, मुझे नहीं बताया गया था। और जब मैंने वो वीडियो पहली बार देखा तो मुझे एहसास नहीं हुआ था कि वो वीडियो इतना ज्यादा इनसेंसिटिव है, लेकिन कुछ कमेंट्स पढ़ने के बाद मैंने नोटिस किया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। अगर मुझे मालूम होता कि वो कैसा वीडियो बनने वाला है, अगर मालूम होता ना मुझे, तो मैं उस वीडियो में आता नहीं हूँ, नहीं आता हूँ। एक बार और आप सभी से मैं माफी मांगना चाहता हूँ। आपको बहुत बुरा लगा होगा, कितना बुरा लगा होगा, कितना खराब लगा होगा, वो मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ। मतलब बहुत बुरी बात हुई मेरे साथ,
तो उसके लिए मैं सच में आपसे फिर से माफी चाहता हूँ। अभी मैं आप लोग को बता दूं, यह वीडियो रिमूव हो चुकी है उनके चैनल से। एंड अभी हम लोग उस वीडियो को लिंक से ओपन करते हैं तो आप लोग देख ही सकते हो क्या लिखा आ रहा है, दिस वीडियो हैज बीन रिमूव्ड बाय द अपलोडर। तो नमस्ते खोई ने अपने चैनल से इस वीडियो को क्यों रिमूव किया इसका कोई रीजन नहीं बताया अभी तक। इसको लेकर नमस्ते खोई की तरफ से कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप लोग को जरूर बता दूंगा। तो अभी बात कर लेते हैं एक ऐसी यूट्यूब वीडियो के बारे में जिसको यूट्यूब पर अपलोड किया गया 51 ईयर एगो। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हो, इस वीडियो को 51 साल पहले अपलोड किया गया है यूट्यूब पर। एंड यार मैं तो सोच में पड़ गया था कि यूट्यूब 2005 में आया है एंड यूट्यूब को आया अभी 20 साल भी नहीं हुए, तो यह वीडियो 51 साल पहले कैसे अपलोड हो सकती है। तो मैं आप लोग को इसका एक सीक्रेट बता देता हूँ। बेसिकली यह ग्लिच था यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो का। एंड यार जो लोग क्रिएटर स्टूडियो यूज करते हैं उन सभी लोग के लिए पता है कि क्रिएटर स्टूडियो ऐसे सस्ते नशे करने के लिए फेमस है। एंड यार इसके अंदर कुछ ना कुछ ग्लिच होता ही रहता है। तो अभी बात कर लेते रॉकेट लीग गेम को लेकर। तो इस गेम को अभी हम लोग कंसोल्स एंड पीसी पर ही खेल सकते थे, लेकिन जल्द ही इस गेम को हम लोग अपने फोन पर भी खेल पाएंगे। तो अभी बात कर लेते सीओडी मोबाइल के बारे में। तो सीओडी मोबाइल के न्यू सीजन 4 में हम लोग को एक न्यू मैप देखने को मिलने वाला है एंड इस न्यू मैप का नाम होने वाला है डोम। एंड इस मैप को हम लोग मॉडर्न वॉरफेयर 3 में पहले देख चुके हैं। तो बस यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।